हेलो क्लास फाइव, आज हम लोग सेशन 2021 स्टार्ट कर रहे हैं। 2021 हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन से, साइंस का चैप्टर वन जिसका नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन। पर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ डिटेल्स तुम लोगों को बोल दे रही हूँ जिस तरह से तुम लोग फॉलो करोगे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में, समझाने में। तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग फॉलो करोगे, ठीक है। पहला तो ये बात है कि पहले एक चैप्टर का तुम लोग के पास दो वीडियोस जाएगा। पहला वीडियो जो होगा वो मैं चैप्टर को समझाऊंगी, और जो वही चैप्टर का, सपोज चैप्टर वन है जो कि है प्लांट रिप्रोडक्शन, तो प्लांट रिप्रोडक्शन जो है पहला चैप्टर में जो होगा वो चैप्टर वन का पहला वीडियो, उसमें मैं वो चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, मतलब समझाऊंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें वो सेम चैप्टर वन का ही एक दूसरा वीडियो जाएगा जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग वो काम कर, तो और तुम लोग कुछ काम होगा जो कि है एवरी 15 डेज गैप में तुम लोगों को जो जो होमवर्क मिलेगा वो सारा होमवर्क को सॉल्व करके स्कूल में आके वो चेक करके देखे जाना है, वो चीज़ तुम लोग को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे। तो उस तरह से हम लोगों को आगे जाना है, ठीक है। तो जो जो होमवर्क मिलेगा, जो क्वेश्चन आंसर्स मैं सॉल्व कर दूंगी, वो तो तुम लोगों को कॉपी में लिखना पड़ेगा। कॉपी में किस तरह से लिखोगे, जो क्लासवर्क कॉपी होगा ऊपर में चैप्टर का नाम दोगे, चैप्टर नंबर दोगे, जो क्वेश्चन है वो ब्लैक इंक में लिखोगे, जो आंसर है उसको ब्लू इंक में लिखोगे। मैं तो तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो दे दूंगी, सॉल्व करके भेज दूंगी, तुम लोग को उसको कॉपी में एकदम डेट के हिसाब से, जिस डेट में तुम लोग को वो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मिल रहा है उस डेट के हिसाब से तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, मतलब पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन मतलब, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब एक प्लांट से दो प्लांट या तीन प्लांट होना, बड़ा प्लांट से छोटा छोटा प्लांट जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो वो रिप्रोडक्शन जब प्लांट में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। तो बड़ा प्लांट से छोटा प्लांट किस तरह से फॉर्म करता है, वही चीज को लेके ये वाला पहला चैप्टर है, ठीक है। पेज नंबर 2 टर्न करो तुम लोग, पेज नंबर 2 टर्न करो। Most plants that grow around us have flowers. Such plants are known as flowering plants. जो plants हम लोग के अगल बगल में grow करता है और जिसमें फूल खिलता है, वही वाला plant को हम लोग flowering plant बोलते हैं, ठीक है। यही फ्लावर जो पहले फ्लावर रहता है, बाद में ना यही वाला फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स, मतलब यही वाला फ्लावर से बाद में जाके फल बनता है। वो फल क्या होता है, वो फल के अंदर में ही देखना बीज भी होता है। जब हम लोग कुछ फल खाते हैं तो उसके अंदर में बीज होता है ना, जो बीज को हम लोग फेंक देते हैं, वही वाला बीज जब हम लोग मिट्टी में फेंक देते हैं वो बीज से ही नया पौधा निकलता है। तो क्या हुआ, पहला एक बड़ा प्लांट हुआ, उसमें फूल खिला, फूल खिलने के बाद फूल आर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, मतलब फूल फल बना, फल के अंदर में जो बीज है वो बीज फिर जब हम लोग फल खा के, या हम लोग या चिड़िया कोई भी जानवर वो फल खा के बीज को जब फेंक देता है, वो वाला बीज फिर नया प्लांट में ग्रो करने लगता है, ठीक है। यही है प्लांट का रिप्रोडक्शन प्रोसेस। Most fruits have seeds. The seeds are fully formed when the fruits ripen. The outermost part of a seed is called the seed coat. The seed coat protects the inner part of the seed. तो ज्यादा से ज्यादा फल का ही बीज होता है, ज्यादा से ज्यादा फल का ही बीज होता है। और बीज का क्या होता है, बीज का एक आउटर मोस्ट लेयर होता है, एक अगर बीज को तुम लोग कंसिडर करो तो बीज का एक आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट।
वो सीट कोट क्या करता है, एक बीच को प्रोटेक्ट करता है, बीच के अंदर में काफी सारा डेलिकेट चीजें होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है वो बाहर का सीट कोट। ठीक है, सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैव वन और टू कॉटिलेडन, अ कॉटिलेडन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीड लीफ। अगर तुम लोग कोई चना को कंसिडर करो, एक चना ले लो, चना का बाहर का जो लेयर है उसको अगर खोल दो तो उसके बीच में देखना दो दो छोटा छोटा व्हाइट व्हाइट कलर का चीज निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन। कॉटिलेडन या तो एक होता है या तो दो प्रेजेंट होता है, एक दो कोई भी कॉटिलेडन प्रेजेंट हो सकता है, वो कॉटिलेडन को हम लोग सीड लीफ भी बोलते हैं। प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड्स विद टू कॉटिलेडन आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडन। और जो एक, तो अगर कोई सीड को बाहर का कवर को हटा के देख रहे हो कि उसके अंदर से दो छोटा छोटा व्हाइट कलर का वो लीफ निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइकॉटिलेडन। अगर एक निकल रहा है, एक छोटा सा बीज निकल रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोकॉटिलेडन। अगर तीन निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉटिलेडन। ठीक है, soak a dicot seed such as a bean seed in water overnight, you will be able to separate the two cotyledon and see a tiny structure attached to the cotyledon. This is the baby plant or the embryo. It can grow into a new plant. तो यही वाला जो cotyledon है, अगर ये दो cotyledon को तुम लोग separate करो, किस तरह से करोगे, अगर कोई भी seed को ना, चना को या मटर को एक रात पानी में भिगा दो, ठीक है, पानी में भिगाने के बाद नेक्स्ट दिन सुबह उसको उसका कोटिंग को ना हटाओ, फिर उसके अंदर में से दो कॉटिलेडन निकलेगा, उसको अगर थोड़ा सा सेपरेट करके देखना कि उसके बीच में ना एक छोटा सा प्लांट, मतलब छोटा सा एक स्ट्रक्चर अटैच्ड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी प्लांट या फिर एम्ब्रॉयो, जिसको अगर तुम लोग पानी में लगाओ, मतलब पौधा उसको अगर उगाओगे मिट्टी में तो उससे नया प्लांट निकलेगा। पहले तो मैंने बोल दिया कि डाइकॉटिलेडन प्लांट्स है, जिसका दो कॉटिलेडन होता है उसको हम लोग बोलेंगे डाइकॉटिलेडन, जिसका एग्जांपल है बीन, मस्टर्ड मतलब सरसों, मैंगो पता ही है, आम और एप्पल। और मोनोकॉटिलेडन मतलब जिसके अंदर में सिर्फ एक एक ही व्हाइट कलर का वो पार्ट निकलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉटिलेडन। मोनोकॉटिलेडन के एग्जाम्पल क्या है, मेज, व्हीट, पैडी, ठीक है, रागी, ये है मोनोकॉटिलेडन, ग्रास, घास, ये सब कुछ। नेक्स्ट हम लोग आएंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब एक बीज से नया पौधा होना, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, अ फुल्ली फॉर्म्ड सीड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ओनली राइप फ्रूट्स कैन हैव फुल्ली फॉर्म्ड सीड, नॉर्मली अ फ्रेश सीड फ्रॉम अ राइप फ्रूट डज नॉट जर्मिनेट, टू जर्मिनेट अ सीड हैज टू ड्राई, When a seed germinates, a new plant is born. तो क्या बोला जा रहा है कि एकदम जब पका हुआ फल होता है उसके अंदर में जो बीज होता है उसी को गाड़ देने से ना कभी नया प्लांट नहीं निकलेगा। पहला बात तो जो वो बीज होता है उसको सुखाना पड़ता है, सूखना जरूरी है। अगर वो बीज ड्राई हो जाए उसके बाद उसको हम लोग उगाएंगे तो ही वो सीड जर्मिनेशन के लिए रेडी होता है। The baby plant that grows from a seed is called a seedling. तो छोटा सा प्लांट निकलता है germination के बाद उसको हम लोग बोलते हैं seedling. What do seeds need to germinate? अब तुम लोग बोलोगे कि ये seed germinate करेगा कैसे? तो हम लोग को कुछ कुछ चीजें चाहिए होता है, seed को basically कुछ कुछ चीजें चाहिए होता है to properly germinate. ठीक है, पहला तो है water. A seed needs water to germinate. You must have observed that soon after the rain, many plants begin to grow. These plants grow from seeds that have remained buried in the soil. तो पहला तो सबसे important जो factor जो seed growth के लिए important है वो है पानी। कुछ भी अगर तुम लोग भी कोई seed लगाओ ना, कुछ दिनों दिनों बाद उसमें पानी छिड़कना पड़ता है, पानी को sprinkle करना पड़ता है। या फिर naturally भी देखोगे कि बरसात season में बहुत नया नया plant निकल के आता है, जो पहले से seed मिट्टी के अंदर में घुसा हुआ था, पानी के वजह से नहीं ग्रो कर पा रहा था, रेनी सीजन में वो लोग को पानी मिलता है, इसीलिए बहुत सारा नया छोटा छोटा प्लांट का पौधा निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वार्म, थोड़ा गर्मी चाहिए होता है। सोक अ फ्यू मस्टर्ड सीड इन वाटर, कीप देम इन अ रेफ्रिजरेटर, डू दे जर्मिनेट? नो,
इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग कोई सरसों का बीज ले लो या फिर चना का बीज ले लो, मिर्चा का बीज ले लो, पानी में डुबा के रखेंगे, उसमें से क्या वो छोटा सा प्लांट निकलेगा? कभी नहीं। मतलब उसको अगर हम लोग पानी में सोख करके रख के फिर उसको फ्रीज में रख दें, कभी उसमें से नया प्लांट नहीं निकलेगा। उसको हम लोग को नॉर्मल टेम्परेचर में ही सोख के रखना होता है, फिर ही जर्मिनेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। एयर हमेशा, मतलब सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर चाहिए होता है फॉर अ सीड टू जर्मिनेट। कीप अ फ्यू ग्राउंडनट्स इमर्स इन वाटर। अगर तुम लोग कुछ बादाम या चना को पानी में डुबा के रख दो, मतलब ओवरनाइट सोख करके फिर निकाल के नहीं, पूरा ही पानी में डुबा के रख दो, तो उसमें तो एयर नहीं आएगा, तो उसमें से भी कभी भी प्लांट नहीं निकलेगा। डू ऑल सीड्स जर्मिनेट, जो कि पेज नंबर 5 में बोल रहा है। यहाँ से क्या पता, जितना सीड्स तैयार होता है नेचर में, कभी भी उतना सीड्स जर्मिनेट नहीं करता है। नेचर में इसी तरह से तैयार होता है कि कुछ सीड को कोई जानवर खा जाता है, कुछ सीड वॉश अवे करके चला जाता है, कुछ कुछ सीड जो सारा चीज को सारा टेम्परेचर बोलो, वार्म्थ बोलो, एयर बोलो, प्रॉपरली जिसको मिलता है वही सीड ग्रो कर पाता है। नहीं तो हम लोग का अगल बगल में तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ होता। मतलब सोचो ना, एक आम, एक प्लांट में कितना सारा आम होता होगा, तो सारे आम का तो सीड्स होता है। अब सारा आम का अगर अलग अलग पेड़ होने लगा तो सिर्फ आम का ही पेड़ भरा हुआ होगा। तो इस तरह से नेचर में इसी तरह से प्लान है कि सारा सीड्स कभी भी जर्मिनेट नहीं करता है, कुछ कुछ चीजें ही जर्मिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे अ सिडलिंग में। अगर हम लोग एक बीज का डायग्राम कंसिडर करेंगे, देखो यहाँ पे चैप्टर 5 पेज नंबर 5 में एक सीड का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या क्या है, When a seed receives needed amount of warmth, air and water, the baby plant in the seed begins to grow. The seed absorbs water, the seed coat splits and the root emerges first. Seed क्या करता है, वो water को absorb करता है, फिर क्या करता है, जो seed का जो बाहर का seed coat होता है वो धीरे धीरे फटने लगता है, और उसके अंदर में जो रूट होता है ना, प्लांट का रूट को रेडिकल भी बोला जाता है, वो सबसे पहले निकल के आता है, जो व्हाइट कलर का। अगर तुम लोग चना को ना ओवरनाइट सोक कर दो, फिर दूसरे वाले दिन वो चना को निकाल के एक मलमल कपड़ा में उसको अच्छा से रैप करके रख दो, देखना एक दो दिन बाद उसके नीचे से एक व्हाइट कलर का स्प्राउट निकल के आता है। दैट इज द रेडिकल पार्ट, दैट इज द रूट पार्ट ऑफ अ सीड। उसके बाद The radical form roots which begins to absorb water for the plant. वो जो radical form हुआ ना white color का, वो और water absorb करने लगता है soil में ही, और फिर छोटा सा tiny shoot green color का part grow करना शुरू करता है। ये तो root गया, अब ऊपर का shoot grow करेगा। वो जो shoot है उसको हम लोग, जो छोटा सा shoot है उसको हम लोग बोलेंगे plumule। Emerges from the soil. The plumule develops into a stem with leaves. The first leaf soon turns green and begin to make food for the plant. तो धीरे धीरे वो green part grow करने लगता है, फिर पत्ता form करता है, वो पत्ता photosynthesis करके plant के लिए खाना बनाना start कर देता है। ठीक है, next is seed dispersal। अब और एक चीज कि seed dispersal क्या होता है, जरूरी क्यों है। seed dispersal सोचो, अगर जो mother plant है, ठीक है, मेरे घर में एक बड़ा सा आम का पेड़ है, वहाँ पे आम हो रहा है, आम का बीज हो रहा है, अगर वो सारा आम का बीज एक ही जगह में आके गिरेगा जहाँ पे बड़ा सा आम का पेड़ पहले से है, तो एक ही जगह में कितना आम का पेड़ होगा, उसमें तो खाना ही नहीं मिलेगा, सॉइल में उतना न्यूट्रिशन ही नहीं होगा कि एक जगह में 5 का 5 आम का पेड़ हो, है ना। तो इसीलिए क्या करता है, नेचर का यही लॉ है, मतलब भगवान ने इसी तरह से बनाया है, तो वो जो सीड होगा ना वो डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब इधर उधर फेंका जाएगा। अब ये सीड डिस्पर्सल किस तरह से होता है, क्या क्या माध्यम से ये सीड डिस्पर्सल होता है, यही हम लोग पढ़ेंगे। हाउ डू सीड डिस्पर्स, कैसे कैसे सीड डिस्पर्स होता है, पहला तो विंड, हवा से, दूसरा एनिमल से, तीसरा एक्सप्लोशन, चौथा वाटर। हवा, पता चल रहा है कि हवा दे रहा है, हवा के साथ सीड उड़ के चला जा रहा है, तो इस तरह से विंड डिस्पर्सल हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में अगर कॉटन का सीड ले लो, डैंडेलियंस का सीड ले लो, रूई का जिसे बोलते हैं उसका सीड्स ले लो, तो ये विंड में उड़ के बहुत दूर दूर तक चला जाता है, वहां पे जाके किसी सॉइल में आके जाके गिरता है, तब नया प्लांट तैयार होता है। तो जहाँ पे मदर प्लांट है
वहां पे नहीं, बहुत दूर जाके कहीं पे दूसरा प्लांट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग लेंगे एनिमल्स, देखना गाय बकरी ये लोग घास खाने जाता है, इसके पूंछ में ना कभी कभी कांटा जैसा कुछ फल अटक जाता है, उसके मुंह में कुछ कुछ फल अटक जाता है, पक्षी लोग जब कोई फल खाता है तो उसका बीज में जाके कहीं और पे फेंक देता है, उसके उसका जो टॉयलेट होता है उससे भी बीज निकलता है, जो फीसेस होता है उससे बीज निकलता है, वो वाला बीज कहीं और पे जाता है, फिर गाय लोग का जो पूंछ में अटक जाता है उसको भी कोई फेंक के कहीं और पे फेंका जाता है। तो इस तरह से थ्रू एनिमल्स भी सीड इधर उधर डिस्पर्स होने लगता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोशन, ये थोड़ा अलग है। अगर तुम लोग ग्रीन पीस मटर जानते हो ना, मटर जो होता है ग्रीन कलर का जो मटर है उसका देखना, एक पोड में वो मटर होता है, मतलब एक लंबा सा पोड रहता है जिसके अंदर में 3-4-5 मटर रहता है। क्या करता है, जब वो मटर ना बहुत बड़ा हो जाता है वो जो पोड है वो फट जाता है, उसके वजह से मतलब जो सीड का स्ट्रक्चर होगा वो फट जाएगा और जो सीड है इधर उधर बिखरा जाता है, ठीक है। ये नेचुरली होता है थ्रू वाटर, पानी के द्वारा भी काफी सारा सीड डिस्पर्स होता है, जैसे कि कोकोनट एक्सेट्रा, ये सब पानी में, जैसे कोकोनट पहले हम लोग के यहाँ पे था ही नहीं, कुछ और कंट्री से वो कोकोनट क्या हुआ, वो पानी रिवर में बह बह के आने लगा, फिर हम लोग के कंट्री में कोकोनट उगने लगा। तो कोकोनट हम लोग को कंट्री में नहीं था, तो पानी के वजह से ही दूसरे कंट्री से वो कोकोनट बह के आके ना फिर ये यहाँ पे होने लगा, ठीक है। इस तरह से कोकोनट एक्सेट्रा वाटर से भी डिस्पर्स होता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट स्टेम एंड लीव्स, तो अब हम लोग जाएंगे कि सारा प्लांट ना सीड से नहीं होता है, सारा प्लांट सीड से जर्मिनेट करके नहीं होता है, कुछ कुछ प्लांट अलग अलग टाइप से होता है, जैसे कि कुछ प्लांट रूट से ग्रो करता है, सम प्लांट्स फ्रॉम न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट, जैसे कि अगर हम लोग मीठा आलू, ठीक है, या फिर ब्रेड फ्रूट या फिर कोई बेरी, वो फ्रूट को इटसेल्फ मतलब स्वीट पोटैटो ले लो ना, स्वीट पोटैटो एक रूट ही है, एक रूट है जिसमें खाना स्टोर होता है, स्वीट पोटैटो को अगर लेके तुम मिट्टी में गाड़ दो तो वहां से नया प्लांट निकल के आता है, जिंजर ये सब को भी गाड़ दो तो इससे नया प्लांट निकल के आता है। तो स्वीट पोटैटो एक एग्जांपल है जिसको तुम अगर पूरा लेके मिट्टी में गाड़ दो तो उससे नया प्लांट निकल के आता है, स्वीट पोटैटो एक रूट है, सीकर है जिससे प्लांट होता है। नेक्स्ट इज प्लांट फ्रॉम स्टेम, जैसे कि तुम लोग जैस्मीन ले लो, रोज प्लांट ले लो, अंगूर का प्लांट ले लो, इसका अगर एक डाली तोड़ के भी लगा दो ना तो वो फिर से नया प्लांट ग्रो करने लगता है। और नेक्स्ट कुछ ऐसा है जिसको हम लोग बल्ब्स बोलते हैं, जैसे कि प्याज को, प्याज को हम लोग बल्ब्स बोलते हैं, वो बल्ब्स को भी अगर हम लोग मिट्टी में गाड़ते जैसे कि प्याज को, उससे भी नया प्लांट निकल के आता है। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि आलू, जिंजर, टर्मरिक, आलू, अदरक और हल्दी, देखने में लगता है कि सीकर है, रूट है, पर ये एक्चुअली स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करता है। तो अगर हम लोग आलू, फिर जिंजर, फिर टर्मरिक ये सबको भी मिट्टी में गाड़ दे तो वहां से भी नया प्लांट निकल के आएगा, दिस इज न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम। नेक्स्ट इज टाइनी बर्ड्स डेवलप ऑन द पोटैटो इन अ सर्टेन सीजन, दिस बर्ड्स इफ बडेड इनटू अ सूटेबल सॉइल, देखना आलू में ना आईज होता है ग्रीन ग्रीन कलर का ना, जब बहुत दिन तक अगर आलू रख दो घर में तो देखना वहीं से गाछ निकल के आता है, छोटा छोटा बर्ड से, जिसको हम लोग आईज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो गया कि जिस प्लांट में फ्लावर्स होता है, मतलब फ्लावर्स होगा तभी वहां से फ्रूट होगा, फ्रूट से सीड होगा, फिर से प्लांट होगा। अब जो जो प्लांट में सीड नहीं होता है वो प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, कुछ कुछ प्लांट में ना छोटा 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 स्पोर्स फॉर्म होता है, वो स्पोर्स जब मिट्टी में जाके गिरता है तो उससे नया प्लांट निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है, जो चीज अगर प्लांट या कुछ बहुत ज्यादा ग्रो करे, मतलब फार्मर्स जो एक किस्म का प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप्स, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, ये सबको हम लोग बोलते हैं क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल इन द वार्म कोस्टल रीजन विद गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल फार्मर्स ग्रो पैडी इन द क्ले सॉइल इन
ड्रायर रीजन विद सैंडी सॉयल एंड लिटिल वाटर फार्मर्स ग्रो मिलेट सच एज जोअर एंड रागी। तो ये सारा सॉयल का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब हम लोग सॉरी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉप कितना किस्म का होता है। क्रॉप दो किस्म का होता है, एक है रबी क्रॉप, एक है खरीफ क्रॉप। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा महीना में तुम ये क्रॉप को लगा रहे हो, उस मतलब बो रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, रबी क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग विंटर। विंटर में रबी क्रॉप, जो क्रॉप्स को हम लोग विंटर में लगाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे रबी क्रॉप। एग्जाम्पल क्या है, वीट एंड पल्सेस। क्रॉप्स जो जून से लेके अक्टूबर तक, मतलब मॉनसून में जो क्रॉप्स को हम लोग बोते हैं उसको हम लोग बोलेंगे खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल क्या है, राइस मेज ज्वार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्रॉप उगाते कैसे हैं। ये क्रॉप उगाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो कैसे फार्मर लोग ये एग्रीकल्चर करता कैसे, एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होता है, तो क्या क्या प्रोसेस है जिसके जिसको फॉलो करके हम लोग क्रॉप्स को उगा सकते हैं, ठीक है। पहला तो है टिल द सॉयल एंड एड मैन्योर टू द फील्ड। टिल मतलब सॉयल को खोदो, उसके बाद उसमें मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर, जो सूखा हुआ पत्ता, सार जिसको बोला जाता है ना, सूखा हुआ पत्ता, गोबर, इस तरह का चीज को सॉयल में ऐड किया जाता है। उसके बाद सीड्स को लेके उसमें बोया जाता है। नेक्स्ट इरिगेट, वाटर दो, फील्ड में वाटर देना पड़ेगा। एक तो बरसात से वाटर मिलता है वो अलग बात है, रेनफॉल से जो वाटर मिलता है वो अलग बात है। रेनफॉल को छोड़ के अगर आर्टिफिशियली भी तो पानी देना पड़ेगा ना, क्योंकि 12 महीना तो रेनफॉल नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ प्लांट को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। उसके बाद अगर वीड्स, जो प्लांट हम लोग लगा रहे हैं क्रॉप्स, उसके अलावा अगर अलग कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाए उसको उठा के फेंकना पड़ता है, केमिकल स्प्रे करना पड़ता है ताकि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या अनवांटेड कोई प्लांट ना उगे। उसके बाद क्रॉप्स जो उगेगा उसको हम लोग को एनिमल से बचाना पड़ेगा क्योंकि जाके खा ना जाए। नेक्स्ट उसको हार्वेस्ट करना, मतलब जो क्रॉप्स में जो फल होगा, मतलब चावल होगा, धान होगा, वीट होगा, मेज होगा, कॉर्न होगा, जो भी होगा उसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स। अब देखो जैसे कि क्रॉप्स जो है, सपोज राइस ले लो, विंटर में हम लोग लगाते हैं तो समर में वो राइस हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है। पर हम लोग को राइस तो पूरा महीना चाहिए होता है ना, मतलब पूरा 12 महीना ही राइस चाहिए होता है। तो पर हम लोग को राइस शायद पकेगा, मतलब राइस तैयार हो जाएगा प्लांट में 2 या 3 महीना में, वो राइस पूरा फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होता है, सोच लो कि जनवरी फरवरी मार्च में राइस फॉर्म हो गया, पर चाहिए तो मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा राइस। तो वो जो 3 महीना में जितना राइस फॉर्म हो रहा है उतना राइस तो हम लोग 3 महीना में नहीं खा सकते, उसको पूरा 12 महीना ही घुमा के खाना पड़ेगा। इसके वजह से जो क्रॉप फॉर्म हो रहा है, जो क्रॉप तैयार हो रहा है, वो क्रॉप्स को हम लोग बड़ा बड़ा रूम्स में, जिसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं, ग्रैनरीज बोलते हैं, वहां पे ये क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि सिर्फ उस टाइम नहीं पूरा साल भर में हम लोग वो क्रॉप को खा पाए, ठीक है। तो ये क्या तुम लोग का ये चैप्टर नंबर 1। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों का यही चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है।